हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज के मीशो हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके फेवरेट आउटफिट, जिनके कोड आपने मुझे दिए थे सभी मुझे मिल गए हैं। लहंगा है, साड़ी है, सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी है, मैक्सी ड्रेस है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल रहे तो लाइक करना मत भूलना। एंड मीशो क्या है? मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो पे लिंक्स नहीं होते, कोड्स होते हैं। जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% and 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो, तो जितने भी प्रोडक्ट है सभी रीसेलिंग में है। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, वहां पे जाके मुझे फॉलो करना होगा, वहां पे आप मुझे मैसेज करिए और परचेज करिए। पर इन 5 या 10 मिनट सोल्ड आउट हो जाता है, तो फटाफट से जल्दी करना और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए, जिससे बिल्कुल भी आपसे ये चीजें मिस नहीं हो, आपसे वीडियो मिस नहीं हो और आप जो है अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाए। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे जाके मुझे। एंड सभी की प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। जो मीशो वाली प्राइस है वो मीशो की प्राइस है, रीसेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस में मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो उसका मतलब है रीसेलिंग प्राइस। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर लहंगा। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था एक और टील कलर का मिरर लहंगा, और सबको इतना ज्यादा पसंद आया, वो 5 मिनट भी नहीं हुए थे सोल्ड आउट हो गया। तो यार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये वाले लहंगे, और सच में की क्वालिटी एंड लहंगे भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो इसकी भी प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी। सेम सेलर से मैंने परचेज किया, कलर तो डिफरेंट है ही पर डिज़ाइन भी है जो थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी सेम उसी ही कलर, ये आपको पीच कलर में देखने को मिल जाएगा और इस तरीके की जिप कवर में देखने को मिलेगा। एक तो ये लहंगा काफ़ी ज़्यादा हैवी है बिकॉज ये मिरर वर्क लहंगा है और मिरर्स भी जो है रियल है। उस वाले वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स ये आए थे कि दी ये चुभेंगे, या फिर आपने ऐसा बताया क्यों नहीं। तो यार एक बात बताओ कि मिरर्स अंदर की साइड थोड़ी ना लगे हुए हैं, बाहर की साइड लगे हुए हैं, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग वगैरह सब कुछ है। और ऐसा है नहीं आप इसे डेली यूज में पहनोगे तो नहीं चुभते, इरिटेट नहीं करते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप इसे ऊपर से भी देख रहे हो ना हाथ लगा के तो भी नहीं चुभ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बता, तो इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। इसमें ब्लाउज इन्होंने थोड़ा सिंपल रखा है, उसमें ब्लाउज हैवी था एंड दुपट्टा सिंपल था, इसमें दुपट्टा काफी ज्यादा हैवी है, ब्लाउज को थोड़ा सिंपल कर दिया है। इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिलेगा। ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया है टेफेटा सिल्क का है, ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है। एंड बैक भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल जाएगा इस तरीके का, वेट इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। ये जो मिरर्स लगाए हुए हैं सारे रियल मिरर्स है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं प्रॉपर फैब्रिक की बात करती हूँ तो आपको 90 सेंटीमीटर के आसपास ये वाला फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, तो ये आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा और बनवाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको इसमें अंदर बस लाइनिंग अटैच करवानी है और आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स भी लगवा सकते हो, विदाउट स्लीव्स भी बनवा सकते हो। तो इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। एंड पर ये जो लहंगे होते हैं ना, इनका प्रॉपर लुक इनके ब्लाउज को स्टिच करवाने के बाद ही आता है, तो आप एक बार इमेज में देख लेना, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही मिला है ये वाला लहंगा भी। एंड लुक एट दिस लहंगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लुक एट दिस। ये भी आपको पूरा पीच कलर में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वेस्ट बताती हूँ, वेस्ट पे इस तरीके के मिरर्स लगाए हुए हैं पूरे, एंड ये जो है सारे रियल मिरर है। ये भी नीचे की साइड आपको ये जो फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, अंदर की साइड साटिन की पूरी लाइनिंग लगाई हुई है, ऊपर की साइड नेट है, नेट के ऊपर ये जरी से एम्ब्रॉयडरी की गई है और प्लस मिरर्स लगाए हुए हैं इस तरीके से। साइड में प्रॉपर आपको पूरा लुक क्लियर हो जाएगा, देख लेना, ऊपर से थोड़ा लाइट है लेकिन नीचे जाते जाते ये इतना हैवी हो जाता है ये वाला लहंगा। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है, आपको प्रॉपर कैमरे में दिख रहा होगा और आप देख सकते हो मिरर्स कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रियल मिरर है, एक भी मिरर नहीं हट रहा है इसमें से। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग यार काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। और अगर मैं इसकी वेस्ट की बात करती हूँ तो वो है अप टू 44, अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में है तो भी आपके आराम से आ जाएगी। एंड इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा मिलने वाला है, इसमें जो है कैन कैन
कैन वगैरह इन्होंने नहीं दी हुई है, और अगर आप ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो आप कैन अटैच करवा लीजिए। वैसे इसमें 3 या 3.25 मीटर के आसपास फ्लेयर होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला लुक आए, फ्लेयरी लुक आए, तो आप कैन अटैच करवा लो, या फिर कैन स्कर्ट आप अलग से पहन सकते हो। बहुत सारे लोग कैन स्कर्ट के लिए बोल रहे थे मीशो से कि आप दी कोड दो, लेकिन वहाँ पे कोई स्कर्ट अवेलेबल नहीं है, और जो है ना उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती मैं आपको कुछ ऐसे ही कोड दे दूँ और आप मंगवाओ फिर वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकले। तो आप मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अमेजोन से परचेज करो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कैन स्कर्ट। तो इस तरीके की आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा, अंदर लाइनिंग है और प्रॉपर लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा है, तो हाईली रिकमेंड करती हूँ आप परचेज कर सकते हो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ आपको जो दुपट्टा दिया है ना, वो इस लहंगे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। ये आपको इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, ये पूरा नेट का दुपट्टा इन्होंने दिया हुआ है, मोनो नेट इसमें यूज़ किया हुआ है, पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है। और यहाँ पे आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, कटवर्क किया हुआ है पूरे पे, और ये सारे मिरर्स लगवाए हुए हैं। चौड़ाई आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, तो आप बहुत तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है ये वाला दुपट्टा। तो इस तरीके का आपको ये फर्स्ट वाला लहंगा मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। और हाँ, इसके साथ भी सेम उसी की तरह, जिसमें आपको बहुत सारे मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, 70-80 मिरर्स के आसपास होंगे अगर हम काउंट करते हैं तो। प्लस यहाँ पे इसमें एक कोन भी दी हुई है जिसमें ग्लू है, तो आप उससे इसे स्टिक कर सकते हैं अगर बाई चांस आपका कोई मिरर वगैरह हट जाता है तो। बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपको हटने के बाद ये नहीं है कि लहंगा ख़राब हो जाएगा, आपके पास काफ़ी सारे मिरर्स है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वाले लहंगे का भी, तो एक बार जाके उसका रिव्यू भी चेक कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट है, वहां पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जरूर से एक बार आप उस लहंगे को भी चेकआउट कर लो। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, एंड ये एक सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी है, और आप पिक में देखोगे इसे काजोल ने पहना हुआ है, ये एक रेप्लिका है। तभी मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा, मुझे तभी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ये वाली साड़ी, रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी सेलर की, तो मैंने परचेज कर ली। पहले तो आप इसे नॉर्मल पॉलिथीन में मिली थी जैसे मिलती है, एंड इस तरीके का वो कलर है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है ये प्रॉपर, एंड बहुत ही सुंदर सा कलर है। प्लस सबसे अच्छी बात है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, एंड इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है ना, इतनी प्यारी है, इतनी एलिगेंट सी लग रही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये वाली साड़ी। तो मैं तो बिना खोले भी आपको ये साड़ी हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि लुक ही इतना प्यारा है इस साड़ी का, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल बताती हूँ, लुक एट दिस। एक तो ये साड़ी है जो नेट फैब्रिक पे है, बिल्कुल जो सॉफ्ट नेट मोनो नेट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला उस वो वाला फैब्रिक है। इस तरीके का आपको आंचल देखने को मिल जाएगा, आप प्रॉपर देख सकते हो इस पर कितने अच्छे से एम्ब्रॉयडर की गई है, पूरी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से की हुई है, काफ़ी नीटली की हुई है, फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इतना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो समर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी सी पार्टी वेयर डिज़ाइनर साड़ी है। एंड इस तरीके की आपको पूरे पे बूटे देखने को मिल जाएंगे, ये पूरा आंचल है इसका, लुक एट दिस, एंड पूरी साड़ी आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। और जब पूरी साड़ी आएगी वेट, तो ये जो है ये आंचल है, और बाकी पूरी साड़ी पे आपको नीचे की साइड ये वाला काम देखने को मिल जाएगा, ऊपर की साइड से ये वाली साड़ी प्लेन मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, या प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाली साड़ी को, काफ़ी अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद, बहुत ही प्यारा। एंड इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, ब्लाउज भी इन्होंने काफ़ी अच्छा ब्लाउज में दिया हुआ है, हैवी ब्लाउज, ये आपको प्रॉपर टफेटा सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज अटैच मिलेगा, एंड ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, इस तरीके का फ्रंट देखने को मिल जाएगा, ये पूरा भी है जो थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरा हैवी ब्लाउज बनेगा। बैक आप इसमें बनवा सकते हैं प्लेन में, पीछे कोई भी डिज़ाइन डलवा सकते हैं बैक में, स्लीवलेस चाहे स्लीवलेस बनवा सकते हैं, 90 सेंटीमीटर है या फिर 1 मीटर के आसपास फैब्रिक है। तो इस तरीके की आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी मिलेगी। पहले आप कलर देखो, ये कलर समर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा यूनिक भी लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा। तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो भी है एक साड़ी, बहुत सारे गर्ल्स कमेंट कर रही थी कि दीप कुछ ऐसी साड़ियाँ लेके आई है जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, इन अफोर्डेबल प्राइस में भी हो, तो मुझे मीशो पर ये वाली साड़ी दिखी। इसको पिक करने का रीज़न था, एक तो इसका ब्लाउज और एक इसका कलर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो
मैं आपको खोल के बताती हूँ। एक बार इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा कलर है ये, आपको टील ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ये आपको नेवी ब्लू दिख रहा होगा इसमें, लेकिन आपको ये टील ब्लू कलर देखने को मिलेगा जो कि प्रॉपर बहुत ही अच्छा है जैसा पिक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बताती हूँ। इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये पूरा डिजिटल प्रिंट में आपको ब्लाउज देखने को मिलेगा। लुक एट दिस, कितना प्यारा है। आप शाइन देख सकते हो कितनी अच्छी है इसके ऊपर, ब्लाउज के ऊपर। एंड प्रिंट भी कितना यूनिक सा है। इस तरीके का आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। एंड ये पूरा 90 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज मिला है, जिससे आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी हो तो आप स्टिच करवा सकते हो। बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, इससे एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइनर ब्लाउज बन जाएगा। और इसका जो कलर है ब्लाउज का, वो ग्रे और ब्लैक में मिक्स है, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ब्लाउज इन्होंने पूरा प्रिंटेड दिया है, तो साड़ी बिल्कुल इन्होंने इस तरीके की प्लेन साड़ी इसमें दी हुई है स्टार्टिंग की। पहले तो आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी है। प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट लगे आज के, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे वर्थ इट लग रहा है कि इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मीशो पे मिल रही है। कोई कोई सेलर तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं यार, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफी सारे देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो आप परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपको ये पूरी प्लेन साड़ी देखने को मिल जाएगी। और साड़ी पे आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी नीचे की साइड, पूरे आंचल पे। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, तो आप इसे बहुत तरीके से बेल्ट वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, हैवी ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। कलर भी बहुत प्यारा है साड़ी का, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। पूरी 5.5 मीटर की है, लेंथ भी काफी सही है, तो परचेज कर सकते हो। हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको परचेज करने के बाद। कलर ऑप्शन आपको जो भी पसंद आया परचेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड गर्ल्स वगैरह के लिए काफी अच्छी है, वैसे लेडीज वगैरह के लिए अच्छी है, और ऑफिस गोइंग गर्ल्स लेडीज के लिए काफी अच्छी है। पार्टीज में भी इसे हैवी लुक के साथ कैरी कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक मैक्सी ड्रेस बोल लो, वन पीस बोल लो, इस तरीके की, क्योंकि समर चल रही है तो समर में चाहिए कुछ ऐसा कंफर्टेबल पहनने को जो कि आप पूरे दिन भर आराम से कैरी कर सको। अगर आप बाहर भी जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी मैक्सी ड्रेस, जो कि मुझे दिख गई मीशो पे। एंड मंगवाने के बाद इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। ये आपको कॉटन फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी, स्ट्रैपी वाली है, स्ट्रैप्स मिल जाएंगी दो आपको इस पे। तो अगर जो भी स्लीवलेस नहीं पहनते हैं वो इसे मत परचेज करना, लेकिन जो स्लीवलेस वगैरह पहनते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। प्लस कलर इतना खिलता हुआ है, ये ग्रीन प्रॉपर जो पैरट ग्रीन है वो कलर है, और उसके साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा लाइनिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएगी, और एंकल लेंथ तक ये आपके आ जाएगी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो, अगर कम है तो ये आपके फुल लेंथ में भी आ जाएगी। कॉटन फैब्रिक है, तो आप चाहो तो एक बड़ा साइज परचेज करना, मे बी वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाए, लेकिन मैंने इसमें स्मॉल परचेज किया है। इसकी फिटिंग मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, अगर मेरे थोड़ा श्रिंक होता भी है तो उस अकॉर्डिंग भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी सभी की, रीसेलिंग प्राइस, मीशो प्राइस। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का इलास्टिक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर शेप आएगी, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है और लुकिंग वाइज काफ़ी है अच्छी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, तो आपको जो भी पसंद आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। ये समर्स के लिए बेस्ट ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लगेगी अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं। वैसे तो अभी कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर आप लेना चाहें, घर में पहनने के लिए भी लेना चाहें, कि बहुत ही कम प्राइस में है, तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने पिक किया है वो है एक कैमिसॉल, क्योंकि मेरा एक कुर्ता था चिकनकारी सॉरी है मेरे पास, और उसकी कैमिसॉल मुझे चाहिए थी, तो फाइनली मैंने मीशो से परचेज की, क्योंकि अमेजोन पे भी सेम प्राइस में थी मीशो पे भी, लेकिन अमेजोन पे कलर नहीं मिल रहा था, मीशो पे मिल गया है। तो इस तरीके की आपको एक कैमिसॉल देखने को मिल जाएगी। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, अगर आप लेना चाहें किसी भी कुर्ते वगैरह के लिए तो डेफिनेटली ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये कलर मुझे चाहिए था, इस तरीके की आपको मिलेगी। एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर है, प्रॉपर अंदर लाइनिंग लगाई हुई है, जो इसकी स्टिचिंग की जो की हुई है वो भी काफ़ी अच्छे से की हुई है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली कैमिसॉल। इस तरीके की कैमिसॉल चिकनकारी कुर्ते में चलती है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो मीशो पे आपको काफ़ी सारे सेलर मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही सारे डिज़ाइन
कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसमें जो जैसे नीचे वाला डिज़ाइन है ये वाला नहीं चाहते हो लेना तो प्लेन में भी ले सकते हो, किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो गाइस ये था आज का हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट रहिए। और एक और चीज़, हाँ मैंने गिव अवे अनाउंस किया था लास्ट मंथ, तो मैंने वीडियो ही नहीं डाली कोई भी, उससे पहले वाले मंथ में मैंने गिव अवे अनाउंस किया था और उसमें मिलनी थी विनर्स को 2 हैवी साड़ियाँ, पार्टी वेयर साड़ी, डिजाइनर साड़ी, एंड उसके विनर्स मुझे अनाउंस करने हैं। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ का ऐसा कुछ काम भी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मुझे प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तो उस अकॉर्डिंग ही गिव अवे के प्राइस मिलेंगे। तो मैं आने वाली वीडियो में 2-3 दिन में आपको गिव अवे के विनर्स भी बताऊंगी जो लास्ट गिव अवे है, और आने वाले गिव अवे भी अनाउंस कर दूंगी जो नेक्स्ट मंथ में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऑनली वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।